हेलो स्टूडेंट, क्लास सिक्स सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 8.2। आज बेटा इस एक्सरसाइज में हम लोग कल टेनथ्स के देखे थे, आज हंड्रथ्स के देखेंगे। तो आइए अब इसमें जैसे हंड्रथ्स ईच स्मॉल स्क्वायर इज 1/100 आर 1/100 ऑफ द होल स्क्वायर इन डिसिमल नोटेशन बी राइट 1/100 इक्वल 0.01। रीड भी हम इसी तरीके से करते हैं, ये 0.01। अब आप देखो बेटा, ये आपका एक स्क्वायर है जिसमें ये 100 आपके स्क्वायर स्मॉल स्क्वायर्स बने हैं। हर एक स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 1/100 है, ठीक है, यानी 0.01। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को लेकर के इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। अब आप देखिए, जैसे इसमें फर्स्ट है, कंप्लीट द टेबल विद द हेल्प ऑफ दीज बॉक्सेस एंड यूज डिसिमल टू राइट द नंबर्स। अब आप इस नंबर्स में इनको नंबर्स फिलअप करने, जैसे ये आपका है तो इसमें आप देखो एक लाइन, ये आपको वर्टिकल लाइंस जो आप देख रहे हो इसमें 10 आपकी स्पॉट ये बने हुए हैं ऐसे, यानी 2 है तो 2 tens हो गए, 2 tens हो गए। अब इसमें आपके वंस ये आप देखिए, ये 2 tenths है बेटा, 100 में है ना, ये 100 के बने हैं तो 2 tenths हो गए, ठीक है। और ये आप देख रहे हो ये आपके वंस में, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट नहीं है तो इसलिए इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, ठीक है, तो ये 6 वंस है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें वंस में आपके 0, टेंस में टेनथ्स में आपके 2 हैं और हंड्रथ्स में आपके 6 हैं। तो इसको हम लोग नंबर्स में लिखेंगे 0.26, ठीक है। अब आप देखो, जैसे बी पार्ट है, एक आपका ये पूरा कंप्लीट है 100 का, तो ये दैट इज वंस हो गया, यानी 1 को 100 पार्टों में डिवाइड किया गया, तो ये आपका वंस हो गया। अब उसके बाद इसमें आप देखो 3 लाइंस, 1, 2, 3 आपके टेंस फिलअप हैं, ठीक है, तो ये 3 tenths हुए, ठीक है। उसके बाद आपके इसमें 8 आप लाइन वंस के आप देख रहे हो, 8 लाइन है तो ये 8 हो गए। तो इसका पूरा टोटल नंबर्स ये हम लिख सकते हैं 1.38। इस तरीके से आपको ये लिखने हैं, ठीक है, ऐसे आप इसमें भी सी में भी आप लिखोगे, ठीक है। तो इसमें आप देखो, एक 100 यानी 1 कंप्लीट है, 2 tenths हैं इसमें, और ये 8 आपके इसमें कितने हैं, ये 8 oneths है, ठीक है, 8 ये hundredths पार्ट का है बेटा, ठीक है। तो इसमें आप देखो ये 1, 2, 9, ठीक है, 9 नहीं एक और तब स्पॉट बनाना पड़ेगा बेटा, यहाँ 9, ठीक है, तो ये 9 आपका, ठीक है। तो इस तरीके से 1.29 ये आपके आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमें सॉल्व करने हैं बेटा, ये आप समझ गए होंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2। अब आप देखिए, राइट द नंबर्स गिवन इन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू टेबल इन डिसिमल फॉर्म। अब डिसिमल फॉर्म में इनको लिखने हैं, जैसे हंड्रेड्स आपका 0 है, टेंस आपका 0 है, वंस आपका 3 है, और टेनथ्स आपका 2 है, और हंड्रेड्स आपका 5 है, और थाउजेंड्स आपका क्या है, 0, ठीक है। तो इसमें आपको देखिए, हंड्रेड्स में 0, ठीक है, प्लेस वैल्यू जैसे हम लिखते हैं 0 × 100 प्लस 0 × 10 प्लस 3 × 1 प्लस 2 × 1/10 प्लस 5 × 1/100 प्लस 0 × 1/1000, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये 0 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 0.2 प्लस 0.05 प्लस 0, तो इनको सबको ऐड कर लेंगे तो ये आप देख रहे हो बेटा 3.25, ये इसका क्या हो गया आंसर, ठीक है।
ऐसे आप देखो इसमें वन हंड्रेड और जीरो टेंस व और वंस आपका टू है, फिर टेनेथ्स आपके सिक्स हैं, ये हंड्रेड्स आपके थ्री हैं और यहाँ थाउजेंड्स में आपके जीरो हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ये क्या 102.63 102.63 इस तरीके से इनको हम सब लिख सकते हैं बेटा, ठीक हो गया। अब ऐसे इसका डी पार्ट आप देखो, जैसे 200 वन टेंस और वन वंस है आपका, और ये आप देखो टेनेथ्स आपके नाइन हैं, हंड्रेड्स आपके जीरो हैं और थाउजेंड आपके टू हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ये 211.902, ठीक है, ये 211.902 इस तरीके से बेटा ये हम लोग लिख सकते हैं। आप इसमें जितने और नंबर्स आपके और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको आप इसी तरीके से डिसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग डिसिमल इन द प्लेस वैल्यू टेबल, प्लेस वैल्यू में लिखना। अब आप देखिए ये ऐसे प्लेस वैल्यू टेबल आप बना लें, ये नंबर्स है, फिर हंड्रेड टेंस वंस टेनेथ्स हंड्रेड्स और थाउजेंड्स, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए ये जैसे 0.29 है, तो हंड्रेड्स में जीरो है, टेंस में भी जीरो है, वंस में भी जीरो है और टेनेथ्स में ये आपका टू है और हंड्रेड्स में आपके क्या हैं नाइन। तो इस तरीके से आपको ये फिलअप करने हैं, ठीक है। अब जैसे लास्ट ई हम ले रहे हैं, आप देखिए हंड्रेड इसमें आपके कितने हैं टू और टेंस में जीरो और वंस में जीरो, फिर आपका ये देखो एट आपका ये क्या है टेनेथ्स है और वन क्या है हंड्रेड्स है और थाउजेंड्स में आपके क्या हैं टू। तो इस तरीके से ये हम लोग इन सारे नंबर्स को ये टेबल फॉर्म में प्लेस वैल्यू लिख सकेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डिसिमल। अब इसको डिसिमल में फिर कन्वर्ट करना है बेटा, जैसे 20+9+4/10+1/100। तो 20+9 4/10 को 0.4, 1/100 को 0.01। अब सबको ऐड कर लिया, ठीक है, 29.41, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम इनको लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप देखो इसका बी पार्ट है 137+5/100। तो 137 5/100 यानी 0.05, ठीक है। तो ये इसका प्लेस अब डेसिमल फॉर्म में 137.05 हो गया, ठीक है। ऐसे आप इसका सी पार्ट आप देखो 7/10+6/100+4/1000। तो ये 0.7 और ये 0.06, ये 0.004, ठीक है। जो अब इनको सबको ऐड कर लेंगे, तो ऐड करेंगे तो 0.764 ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है बेटा। तो ऐसे इसको आप सभी और दो पार्ट क्वेश्चन हैं, दो पार्ट ये आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिसिमल इन वर्ड। अब इनको डिसिमल में लिखना है, जैसे फर्स्ट है 0.03, 0.03 को वर्ड में, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ये 0.03, ठीक है। अब जैसे बी है इसको 1.20, ये भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे इसमें जैसे सी है 108.56, तो 108.56 इस तरीके से वर्ड में इनको सब लिखना है बेटा। अब जैसे लास्ट में आप देखो एफ है 5.008, तो 5.008 इस तरीके से हमें ये वर्ड में हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, बिटवीन व्हिच टू नंबर्स इन टेनेथ्स
place on the number lines that each of the given numbers lie. अब ये देखिए 10th place में लिखना है, तो ये आप देखिए 0.06 है, ठीक है। ये numbers, अब वैसे इसमें जितने भी numbers दिए हैं वो सारे numbers आप देखोगे 0 और 1 के बीच में ही lie करेंगे, ठीक है। बट ये आपका ये 0. मतलब 10th के numbers में लिखना है, तो जैसे 0.06 है, तो 0.06 इज नियर टू 0.1, ठीक है, ये 0.1 के पास में है, ठीक है। ऐसे बी आप देखो, ये 0.45 इज नियर टू 0.5, ठीक है, क्योंकि ये आपका जो है 5 या 5 से अधिक होता है, तो इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। यानी इसका ये आप समझ लो ये कैसे है, जैसे 0, फिर 0.1, 0.2, 0.3, ऐसे सब आपके हैं, ठीक है। और 0.0 एंड 0.1 के बीच में, ठीक है, भी ये 10 नंबर्स हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये आप देख रहे हो कि 0.4 और 0.5 के बीच में ये टेंस में रिप्रेजेंट किया गया है, तो इसको आप देखो 0.45 को ये नियर हो जाएगा 0.5 में, ठीक है। ऐसे आप देखो ये सी है, 0.19 इज नियर टू 0.2, ठीक है। अब ऐसे आपको इसमें आपको सारे नंबर्स को पहचानना है। अब जैसे ई है, 0.92 इज नियर टू किसके है, 0.9 के, ये नंबर 0.9 और 1 के बीच में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट एज फ्रैक्शंस इन लोएस्ट फॉर्म, इनको फ्रैक्शन में लिखना है और सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए पॉइंट के बाद टू डिजिट है, तो इसमें यानी 100 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर दें, तो 100 से वो न्यूमरेटर में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 और बाई 100। अब इनको सिंप्लीफाई करना, एक जीरो यहाँ से कैंसिल, 2 से 3 और 2 से 5, यानी 3/5, ये इसका क्या हो गया, स्मॉलेस्ट या लोएस्ट टर्म हो गया, ठीक है। ऐसे आप देखिए 0.075 है, अब इसको हम 75/100 सिंप्लीफाई, 25 3 जा और 25 4 जा, ठीक है, तो 3/4 ये लोएस्ट टर्म हो गया। ऐसे इस फ्रैक्शन को 0, ये 0.18 को 18/100 लिख दें और इनको सिंप्लीफाई, 2 से 2 9 जा और 2 50, ठीक है, यानी 9/50। ऐसे आप देखो ये 0.25, ठीक है, तो 25/100 ये, यानी 25 5 जा 25 25 4 जा यानी 1/4। अब एफ में आप देखो 0.125 यानी 3 डिजिट हैं आपके, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो 0.125 में 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 125 1000। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो 125 और 125 8 जा, ठीक है, 1000, तो इसको 1/8 हम इसको लिख सकते हैं। ऐसे आप जी देखो, यहाँ पॉइंट के बाद आपके 3 डिजिट हैं, तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, तो 66/ ये आपका 1000, 2 से डिवाइड 33 और 2 से ये डिवाइड 500, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये हमने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना था। अब इसमें और क्वेश्चंस जो हमने छोड़ रखा है उन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे, ऐसे पूरी एक्सरसाइज को ही सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। थैंक यू।